देखो यार, मेरा मोटिवेशन देने का कोई चैनल नहीं है ये, लेकिन इस चैनल को हम इस ऊंचाई पे पहुंचाएंगे जहां पे इस चैनल के बारे में हर स्टूडेंट जानता होगा, चाहे वो टेंथ की तैयारी, टेंथ में हो, 11th में हो, बोर्ड में हो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले को भी पंडित जी चैनल को बारे में पता होगा आज से 3 साल बाद। ये नोट कर लो। अब देखो, तुम लोगों से एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, अपने ही चैनल के माध्यम से एक मोटिवेशन देना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपना जो प्रॉपर वीडियो शुरू करेंगे। मेरे इस चैनल पे एक पार्टिकुलर मतलब ऑडियंस है जो कि एक ही तरीके की वीडियो देखना चाहती है। वो अगर हम वीडियो डालेंगे तो अभी 50,000 व्यू हमें तुरंत मिल जाएंगे, जिससे हम बहुत सारा रेवेन्यू बना सकते हैं, बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, पार्टनरशिप से, कोलैबोरेशन से बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मेरा मिशन है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। अब तुम्हें समझाते हैं कैसे। इस चैनल पे जो हम ये वीडियो बनाते हैं, इनमें व्यूज़ देखते हो कितने आते हैं, 100 व्यूज़, 150 व्यूज़, 200 व्यूज़, 50 व्यूज़, किसी में तो 40 से 50 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये बंदा अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, इतने अच्छे चैनल पे, इतने अच्छे पोजीशन पे आने के बाद इस तरीके के वीडियो बना के व्यूज़ की ऐसी तैसी कर रहा है। तो हम बस तुम लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी हम चाहते हैं, जितने लोग भी कर रहे हो, सबकी नौकरी लग जाए, लेकिन ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। आज से 3 साल बाद जब तुम इस चैनल को देखोगे ना, तो इस चैनल को इसी तरीके से जाना जाएगा कि हाँ, ये एक चैनल था जहाँ से हमें एक एक्स्ट्रा पावर मिली थी, ठीक है। तो हम वही चीज़ तुम लोगों को बताना चाहते हैं, जो चीज़ें तुम्हारे अंदर से आ रही हैं कि यार इससे कुछ बढ़िया हो जाना है, तो तुम उस पर काम शुरू कर दो बिना कुछ सोचे समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें आज लग रहा है कि तुम्हारी औकात यूपीएससी वाली है, बिना किसी से पूछे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, उस तैयारी में उतर जाओ। शुरुआत में बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत दिक्कतें आगे भी होंगी, चीज़ें तुम्हें नहीं याद होंगी, समझ में नहीं आएंगी, दिन के आखिरी में मतलब कि कुछ दिनों के बाद चीज़ें सब ऑन द पॉइंट हो जाएंगी। यही इस चैनल के साथ होने वाला है, जो कि हम लाइव प्रूफ देंगे एक दिन। अब आते हैं मेन वीडियो पे। आज का वीडियो है किस टॉपिक पे? आज का वीडियो है कि पढ़ते समय हमें टेंशन होती है कि नौकरी लगेगी नहीं। टेंशन बिल्कुल लाजमी है, टेंशन होना बहुत ज़रूरी भी है। देखो क्या होता है, जब हमारे ऊपर कोई भी तरीके का कंटाप वंटाप नहीं पड़ते हैं, तब तक हमारी बुद्धि सुधरती नहीं। कंटाप का मतलब यहाँ पे इसी चीज़ से है कि अगर तुम्हें इस चीज़ का डर है ही नहीं कि नौकरी लगे कि नहीं, तुम सुकून से पढ़ोगे, आज मन नहीं हुआ चलो कल पढ़ लेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा डर रहेगा ना ये कि यार नौकरी लगेगी कि नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, तब सही रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद ये चीज़ें दिक्कत देने लगती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लो 6 घंटे का हमारा टाइम स्लॉट है पढ़ने का, उस 6 घंटे में सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं यार नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, वहाँ पर दिक्कत आना चालू हो जाती है। तो इस कंडीशन में करना क्या है वो समझो। खुद को एक ऐसे पॉइंट पे खुद देखो। एक चीज़ याद रखो, हम क्यों ये सारे वीडियो बना सकते हैं, हम आज चाहे तो आज 500 वीडियोस बना सकते हैं इन सब टॉपिकों पे। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर चीज़ें रख के तुम लोगों को बताते हैं। तो तुम लोगों से भी यही कहते हैं, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम लग रही हो, तुम ये सोचा करो कि वो सामने वाले की प्रॉब्लम है, तुम्हें सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। अपने ऊपर चीज़ें रख के सामने वाले की प्रॉब्लम समझ के डिस्कस कर लो। तो अगर तुम्हें लग रहा है 6 घंटे तुमने ये सोचने में निकाल दिए कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, एक छोटा सा पॉइंट मेरा यार याद रखना कि जब भी तुम तैयारी करने बैठ रहे हो तो ये सोच के बैठो कि नौकरी नहीं लगनी है। ये सोच के बैठो नौकरी नहीं लगनी है, और जब ये सोचोगे तो वो एक अंदर से जो डर बना है ना, वो तुम्हें ज्यादा पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम कह रहे हैं चलो ठीक है तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी चांसेस बहुत कम है, तुम दूसरी फील्ड उठा के देख लो कहां पे तुम्हारे चांसेस ज्यादा है। जहां पे तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे चांसेस ज्यादा है, शिफ्ट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का यकीन मानो, तुम वहां पे भी जाके कुछ दिन बाद तुम्हारी यही हालत होने वाली है कि यार हम ग्रो कर पाएंगे कि नहीं, सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है अभी पढ़ाई में ही रुक जाओ। तुम्हें अगर लग रहा है कि नौकरी नहीं लग पाएगी या कुछ भी होगा, ज्यादा पढ़ो यार। कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, तुम 12 घंटे एक्सटेंड कर दो उसको। मेरे कहने का मतलब बस इतना है, हर चीज का डर होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब डर वो ज्यादा जब हो जाता है तो वो फिर अपने लिए सही नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा बहुत डर है ठीक है, अगर ज्यादा डर हो रहा है तो अपने आप को सिर्फ ये एक चीज विजुलाइज कराओ कि अगर ये डर हावी हो गया मेरे ऊपर तो पढ़ाई तो होने से रही, और पढ़ाई के बाद मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरे पास मतलब जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें आ गई ना कि करो या मरो वाली पोजीशन, तो तुम कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए समझाते हैं, डर थोड़ा बहुत होना ठीक है, ओवर थिंकिंग थोड़ी बहुत ठीक है, बस वो एक्सट्रीम नहीं पहुंचनी चाहिए जो डिप्रेशन बन जाए जाके, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कोशिश करते हैं कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जितनी भी मेरी नॉलेज है, जितनी भी किताबें हमें नॉलेज दे रही हैं या जितने भी मेरे टीचर्स हमें दे रहे हैं। आज के वीडियो में यहीं खत्म कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। वीडियोस के लाइक्स को हम एम करेंगे 1,000, और तुम लोगों से चाहेंगे कि इसको कंप्लीट कराओ। राम राम, जय हिंद।